नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने बाद निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। 70 वार्डों में से कांग्रेस ने 34 और भाजपा ने 29 वार्डों पर 10 जीत दर्ज की है। 7 वार्डों पर निर्दलीय जीते हैं। अपना महापौर बनाने के लिए कांग्रेस को 2 और सीट चाहिए। नतीजे के बाद बड़ी निर्दलीयों की पूछपरख। कांग्रेस कई निर्दलीय प्रत्याशियों के संपर्क में है। तो आपको बता दें, नगर निगम में किसी भी दल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतनी बहुमत नहीं है। कांग्रेस 34, बीजेपी ने 29 पर जो है आई है। 7 वार्डों पर निर्दलीय जीते हैं। महापौर बनाने के लिए कांग्रेस को पार्षद चाहिए। और हमारे साथ हेमंत लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या लगता है राजधानी में किसका महापौर बनेगा और किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए ऋतु, रायपुर नगर निगम की बात करें तो 70 में से 7 निर्दलीय जीत कर आए हैं और उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि 34 वार्डों में कांग्रेस और 29 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। और अगर पूरे 70 वार्डों का समीकरण देखा जाए तो 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए महापौर बनने के लिए किसी भी दल का 36 पार्षद होना चाहिए। कांग्रेस के पास 34 है, 2 और पार्षदों की जरूरत कांग्रेस को है। इसलिए निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो 7 निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आए हैं, उनको साधने की कवायद तेज हो गई है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने कम से कम 5 निर्दलीयों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। संपर्क में 5 निर्दलीय उनके हैं। इसके अलावा अगर पूरी बात की जाए तो जो 7 में से 3 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के ही बागी हैं। इसलिए समझा जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस का ही महापौर रायपुर नगर निगम में होगा, क्योंकि जो बागी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। इसके अलावा 1 से 2 और निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। तो ऐसे में जो महापौर है वो कांग्रेस का बन सकता है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा ये साफ स्थिति हो जाएगी कि आखिरकार महापौर रायपुर में किसका होगा। लेकिन यह पूरी संभावना है कि कांग्रेस ही महापौर रायपुर नगर निगम में होगा। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत और बढ़ेगी, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो जीत कर आए हैं और अपनी अपनी दावेदारी महापौर पद को लेकर करते नजर आ रहे हैं। चाहे वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे की बात की जाए, उन्होंने भगवती चरण शुक्ल वार्ड से 1600 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा लगातार 2 पार के पार्षद इजराइल छेपर, जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, करीब 4600 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा एक और नाम है कांग्रेस में, वो है ज्ञानेश शर्मा, जिनको संगठन का काफी करीबी माना जाता है और लगातार 4 बार के वो पार्षद हैं। बड़े नेता जो हैं, चाहे वो मंत्री रविन चौबे की बात की जाए, वो उनके लिए लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी देर बाद क्लियर होगी कि आखिरकार बहुमत किसको मिलता है। हालांकि ये पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपना महापौर रायपुर नगर निगम में बना लेगी। क्या लगता है हेमंत, प्रमोद दुबे को क्या दोबारा मौका नहीं मिलेगा? आम सहमति नहीं बन सकती कि क्या आसार नजर आ रही है? देखिए, आम सहमति काफी मुश्किल होगी, क्योंकि तमाम जो दिग्गज दावेदार हैं वो जीत कर आए हैं और जिनको ये समझा जा रहा था कि ये महापौर पद के प्रबल दावेदार हैं। मैंने पहले ही उन दावेदारों का नाम गिनाया था। तो आम सहमति बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो तीनों उम्मीदवार हैं महापौर पद के वो अपनी अपनी लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी वो। क्या लगता है पार्षदों के बीच रायशुमारी करा सकती है कि कांग्रेस यहाँ पर कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहले पार्षदों का ये राय जानने की कोशिश होगी, क्योंकि एक बैठक आयोजित कर सभी पार्षदों से पूछा जाएगा कि आखिरकार उनकी क्या राय है, वो किस व्यक्ति को महापौर पद के लिए चाहते हैं। क्योंकि ये पूरे तरीके से चुनाव और प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ है, इसलिए पार्षदों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है ऋतु। इसलिए उनको ये पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है, आप बताइए। तो वो उसके आधार पर भी कांग्रेस फैसला कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में परंपरा रही है कि लॉबिंग जो है
लॉबिंग पद्धति है वो काफी हावी रहती है। तो चलिए तीनों हेमंत, ओर आप से लगातार लॉबिंग बने काफी रहिए, व्यापक आपसे देखने को मिल रही है। जानेंगे। अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, कहीं ना कहीं बहुमत से दूर नजर आ रहे हैं, आपके आसार लगते हैं आपको? 34 पार्षद जीत के आए हैं 70 में से, एक सीट कम है। भारतीय जनता पार्टी तो 30 का आंकड़ा नहीं छू सकती, और निर्दलियों ने विचारधारा के आधार पर कांग्रेस के विकास कार्यों के आधार पर समर्थन देना शुरू कर दिया है। कल रात को ही अनेक निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत के आए हैं उन्होंने कांग्रेस भवन में आके अपना समर्थन व्यक्त किया है। कांग्रेस का महापौर प्रदेश के सभी रायपुर सहित प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों में बनने जा रहे हैं। पर हम देखें क्या लगता है, जिस तरह से कई दिग्गज आपके जीत कर आए हैं, कैसे सहमति बनेगी? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबके कार्यों का मूल्यांकन होता है। वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे हैं, ज्ञानेश शर्मा, एजाज ढेबर अनेक अच्छे प्रत्याशी हैं, और पार्टी के पार्षदों के बीच राय ली जाएगी। पार्षदों की जो राय होगी उसके मुताबिक पार्टी के द्वारा अपने महापौर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के परेशानी की कोई बात नहीं है, सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं, कांग्रेस का महापौर बनाने के लिए संकल्पित हैं। क्या लगता है यहाँ पर प्रमोद दुबे का अगर हम नाम लें तो क्या उन पर सहमति नहीं बन सकती है? देखिए, नामों की चर्चा, हम लोग सहमति बनाने वाले कौन होते हैं? सहमति तो पार्षदों को बनानी है। अब पार्षद दल की विधायक, दोबारा उन्हें मौका दिया जाएगा कि नहीं, सवाल तो ये है मेरा। क्या दोबारा उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या आशा रखे तो नजर आ रही है? यह तो निर्वाचित पार्षद तय करेंगे, निर्वाचित पार्षद दल की बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे और वे पर्यवेक्षक सब पार्षदों की राय लेंगे, अपना फैसला लेंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जिस तरह से रायपुर में कांग्रेस सरकार है, पर फिर भी हम देखें कहीं बहुत सारी जगह पर पिछड़ते हुए नजर आए, ऐसा क्यों? आखिर रायपुर को पेयजल में पूरे देश में पहला स्थान मिला। रायपुर का जो विकास हुआ है उस कांग्रेस के महापौर के द्वारा उस सब ने देखा है। रायपुर अगर पिछड़ा हो तो पूर्व सरकार ने स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे जैसी भ्रष्टाचार की जो योजनाएं बनाई उसके कारण गड़बड़ी हुई, लेकिन अब कहीं किसी प्रकार के परेशानी की कोई स्थिति नहीं है। राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है और महापौर भी कांग्रेस का बनने जा रहा है, अब पूरी तरीके से विकास कार्य होगा। हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हेमंत, आपको सवाल करना चाहेंगे। जी निश्चित तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से मेरा सवाल यह है कि कब तक जो महापौर की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी? सबसे पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यक्रम तय किया जाएगा, कब निर्वाचन होने जा रहा है उसके अनुसार पार्षद दल की तिथि तय की जाएगी प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, और जो पार्षद दल की बैठक की तिथि तय होगी उसके लिए पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे, और पार्षदों की राय से सबकी राय जानने के बाद पर्यवेक्षकों के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाएगी और पार्टी अपने महापौर प्रत्याशी का फैसला करेगी। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, अब जिस तरह से आप सत्ता में भी हैं और अब नगर निगम में भी सत्ता में आ रहे हैं, दोबारा सत्ता मिली है, तो क्या एजेंडा रायपुर के लिए आपका होगा आगे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार ने एक साल में जो अच्छे काम किए उसके प्रति शहरी जनता ने अपना समर्थन दिया है। भूपेश बघेल जी की सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हेमंत भी हमारे साथ बने हुए थे, हेमंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना चाहिए।